भाईजान आप रोक सकती हैं, आप प्लीज रोक दें, आप कर सकती हैं। मगर रोकूंगी नहीं। गुलाम और दामाद चुनने में बहुत फर्क होता है। मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अम्मा, नफीस चाचू ने हमेशा ऐसे ही किया है। एक तो अपनी बेटी की जिम्मेदारी हम पे डाल दी और उस पर अब ये। तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रही हो? वो कैसे बात कर रहे हैं, उससे आगे रो रही है वो। तुम्हें उसके आंसू पोंछने की जरूरत नहीं है हमजा, उसके लिए उसकी दादी हैं। अच्छा, तुमसे बात करनी है मुझे। आओ जरा, आओ आ जाओ। तुमने मेहंदी नहीं लगाई? मैंने मेहंदी भिजवाई थी कल तुम्हें। नहीं, वो क्यों क्यों नहीं लगाई? क्योंकि नहुसत फैलानी है ना, हर चीज में नहुसत फैलानी है, रो रो के आंसू बहाने हैं। शाहजहां, तू अभी तक मेरे कमरे में खड़ी है, चल जा यहां से। जा रही हूं। लेकिन ये कोल्हापुरी क्यों पहनी है? हील पहनो। अम्मी, हील्स की क्या जरूरत? हमजा हर मामले में मुझसे बढ़ के सही, लेकिन मैं उसके बराबरी पढ़ लिख के करना चाहती हूँ ताकि वो मेरी हमराही पे फखर करे। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ओके, ओके, बाय। तुम्हें पता है हाला, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो। मैं चाहती तो तुम्हारी और खुर्रम की बात सबको बता सकती थी, पर नहीं, वो एक ही बार का धमाका होता। अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे सर पर इस राज के अफशा होने की तलवार लटकी रहेगी, है ना? एक बहुत मजे का खेल है ये, बहुत मजे का। रूमी, रूमी, इधर आओ ना, इधर आओ। मेरी और हाला की एक तस्वीर बनाओ। इसकी तो माँ थी नहीं, मैंने ही तो इसे माँ बनकर पाला है, हमारी एक तस्वीर तो होनी चाहिए। चलो। हमारी फैमिली की पहली शादी और कोई नहीं आया। ये बात तुम अपने बाप से और अपनी दादी से पूछो, वो कह रहे थे कि जब रुखसती होगी ना तब बुलाएंगे सब। क्या तो? अच्छा, मैं हाला से मिलूंगा। रो रही होगी बेचारी, उदास थी वो। वो नहीं रो रही, बिल्कुल ठीक है, और अपना निकाह के बाद ही सब मिलेंगे उससे। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। ये आप किसका रास्ता रोक रही हैं अम्मी? यहाँ तो लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। रूमी, तुम्हें दादी बुला रही थी, चलो चलो चलो। अच्छे लग रहे हो तुम, ज्यादा अच्छी लग रही। तुम्हारी और समीन की शादी तो बचपन से तय है ना, समीन ही मेरी बहू बनेगी। क्या हुआ? हाँ, चल चलो। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलामुअलैकुम। 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 कैसे रह सकती हो? मुलाकातें हुई होंगी। तुम्हारे ताए ने तुम्हारी शादी का बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। मुझे कहती थी मेरी ताई मुझ पर जुल्म करती है, मेरी जिंदगी हराम करती है, मुझे मारती है। वैसे भी तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। पर पता नहीं किसी निकम्मे से इसका निकाह करने जा रही है। कैसे रह रखा है? तुम्हारे ताए ने तुम्हारी शादी का बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। कहती थी मेरी ताई मुझ पर जुल्म करती है, मेरी जिंदगी हराम करती है, मुझे मारती है। पर पता नहीं किसी निकम्मे से इसका निकाह करने जा रही है।
कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो, ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था, मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो, पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। अर्जुन पता नहीं कितने दुल्हन भाग गई, लेकिन इसकी शक्ल तो ऐसी नहीं है कि भाग जाए, अम्मी को बताती हूँ। पता नहीं ये नवीद से शादी कर रहे हैं आप लोग, हालांकि हाँ तो क्या बुराई है उसमें, नेक शरीफ ताबेदार लड़का है, एक अरसे से मेरे साथ काम कर रहा है, कभी आंख उठाकर मुझे नहीं देखा। एक तो पहली बात वो लड़का नहीं है, और दूसरी बात गुलाम और दामाद चुनने में बहुत फर्क होता है। सुन रही हो अपने बेटे की बातें हमजा, ये कह रहा है, ये किस किस्म की औरतें हैं, डोमनियां लग रही है, लगता है रंगोली खेलते खेलते यहाँ आके बैठ गई। आपको नहीं लग रहा आला के साथ ज्यादती कर रहे हैं आप लोग? दादिया तुम्हारा बेटा आया बाहर से, इसी तरह की बातें करेगा, तुम हाला को लेकर आओ, रस्म शुरू करें। अब हमजा खुदा के लिए चुप रहे। कैसे मैं आती ये क्या किया? ठीक करो अपना मुंह, तुम्हारे बाप ने कोई मुशाताएं नहीं भेजी जो सारा दिन तुम्हारी नोक पलक दुरुस्त करती रहेंगी, चलो ठीक करो। अर्जुन प्लीज ये रोक दे, रोक दे ये सब कुछ प्लीज। रोक दूं? ताईजान आप रोक सकती हैं, आप प्लीज रोक दें, आप कर सकती हैं। हाँ मगर रोकूंगी नहीं, दिल तो चाह रहा है कि इसी मनहूस शक्ल के साथ तुम्हें बाहर ले जाऊं, लेकिन खैर चलो अपना मुंह साफ करो और लिपस्टिक ठीक से लगाओ, ठीक करो अपना मुंह। सोफिया मैं आ रही हूं तुम्हें लेने, सोफिया। आओ बेटे आओ, आओ। जलीस मुझे ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अम्मा मेरा ख्याल है बिस्मिल्लाह करें जी, रस्म शुरू करें, तू जरा वीडियो बना ले तेरे चाचा को भेजनी। जी जी भाई साहब बिस्मिल्लाह ही पढ़ने आए हैं, बस जरा बात हो जाए। क्या बात? देखें लड़की के वालिद साहब तो बाहर सेटल हैं, मैं चाहता हूँ कि नवीद को भी बाहर ही कुछ सेट करवा दें। नहीं नहीं भाई जी मैं तो यहीं ठीक हूँ, मुझे तो यहीं रहना है। अबे चुप करके बैठ, चिट्टा रंग देख के फिसल जाता है। क्या क्या कह रहा है ये, किस किस्म की बातें कर रहा है? अरे अम्मा आप चुप कीजिए ना, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए नवीद से सब कुछ तय हो चुका है, नवीद यहीं पे रहेगा, हम इसे अपना दामाद बना रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। यही तो बात है भाई साहब कि इतनी क्या इमरजेंसी पड़ गई कि इस जैसे बंदे को अपना दामाद बना रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है वो? हमजा मैं बात कर रहा हूँ ना। देखिए साहब आप मेहमान बनकर आए हैं, मेहमान बनकर ही रहिए। आप नहीं बोले भाई जी, मैंने तो यही रहना है। फिर चुप करके बैठ, सो तेरा सही मगर हूँ तो तेरा भाई, मुझे तो लड़की में कोई फॉल्ट लगता है। हमजा मैंने शरीफ लड़का समझ के अपनी भतीजी का रिश्ता दिया था,
इसकी इतनी जरूरत कि मेरे घर की लड़कियों के बारे में कोई बात करेगा? मार और दफा हो जाओ सारे, वरना गोली मार दूंगा। माफी चाहता हूँ मैं मौलवी साहब। बाहर निकलो, चला। और तुमने क्यों घूंघट पलटा है? जब देख रही हो किस तरह के लोग हैं, चलो मेरे साथ। हमजा, शादी के लिए हाँ की क्यों तुमने? हाला, परेशान होने की बात नहीं, ओके? हो जाता, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते थे यार। तुमने इट्स ओके, ओके? ठीक हो? मैं बाहर देख कर आता हूँ, सब ठीक है। मुझे भी कंधा चाहिए अपने दुख रोने का। अरे दादी, आप क्यों रोती है? निकाल दिया मैंने उन सब। क्या जरूरत थी इतनी हीरोगिरी करने की? हम लोग थे ना, हम कर रहे थे मामले को हैंडल। हीरोगिरी नहीं कहते इसे अम्मी, गैरतमंदी कहते हैं। हाउ डेयर ही, जुबान कैसे इस्तेमाल कर रहा था वो हाला के बारे में? हमदा ठीक कह रहा है शाहजान भाभी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? अल्लाह रहम कर, मेरी बच्ची पर रहम कर। दवाई देती है, बुखार उतर जाएगा इंशाल्लाह। ये ऐसा बुखार नहीं है बेटा, ये तो सदमे का बुखार है। नजर लगा दी दुश्मनों ने मेरी बच्ची पर। सुबह उठने की आदत गई नहीं तुम्हारी। I'm sorry. क्या हो गया है? हेलो, मैं हूं। अपने घर में इतना खौफजदा होने वाली क्या बात है? हाला, हेलो, रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट। बेटर, बुखार उतरा तुम्हारा? हाँ। मौसम बड़ा अच्छा है, वॉक पर चलोगी? नहीं नहीं। ऐसे रिएक्ट करने वाली क्या बात है? तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। लड़कियां वॉक पर नहीं चाहती। ये किससे कहा तुम? पार्क में तो इतनी लड़कियां होती। मेरा मतलब ताया अब्बू को अच्छा नहीं लगेगा। ताया अब्बू को ये मान सकते। तुम्हें पता वहां ऑस्ट्रेलिया में ना सुबह सुबह सब लड़कियां। तुम क्या सुबह सुबह ऑस्ट्रेलिया के किस्से सुनाने लग गए हो? हमजा से क्या बात करी? मैं नहीं कर रही थी, वो कर रहा था। तो तुमने कानों पर हाथ क्यों नहीं रखे? मुश्किल से जान छूटने लगी थी, फिर मुसीबत गले पड़ गई। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? ऊपर से हमदर्दियां समेटने को बुखार भी चढ़ा लिया। किचन से बुखार खुद ही चढ़ गया। किचन से छुट्टी किसने दी है तुम्हें? अभी सबके लिए नाश्ता बनाओगी ना, सारी गर्मी निकल जाएगी। ताईजान, दादी की तबीयत खराब है। तुम्हारी दादी ने तो सारी उम्र सिर्फ बहाने ही किए और अब तुम्हें भी सिखा दिए। मेरा मसला इस वक्त किचन है, समझी? किचन। क्या हो रहा है? रो रही है? रब से जिसको मांगा दुआ से लाए।